अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में होंगे। और आज अपने ब्लॉग के जरिए मैं आप सभी को मुबारकबाद देती हूँ, हैप्पी ईद बोलती हूँ। आप लोग खुश रहें, खुशहाल रहें और आपकी ईद सबसे अच्छी जाए इस बार की, और हमारी भी बहुत अच्छी जाए। और देखिए, पिंजड़ा इनका खाली है, ये गायब हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ इनकी हरकत, ये कहाँ पे छुपे बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं देख रही कि कहाँ गया कहाँ गया। और ये रूम मेरा है, यहाँ पे सब कुछ फैला रहता है, सामान देखिए, राशन पानी, बच्चों के कपड़े, सब कुछ। ये पता नहीं कब उड़ गया और मैं कह रही हूँ हैप्पी का हैप्पू हैप्पू हैप्पू। ये देखिए हैप्पी कहाँ छुपे हैं, यहाँ क्यों छुपे हो, यहाँ कैसे आए हैप्पी? देखो अंदर घुसे हैं हैप्पी आओ। तो फ्रेंड्स, इनकी शरारतें तो कम ही नहीं होती हैं, और इनको जो है बंद कर दो तो ये बहुत चीखते हैं, और बाहर निकाल दो तो घूमते फिरते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखिए इनकी शैतानी, छुप छुप के देख रहे हैं। आओ मामा के पास आओ आओ आ जाओ। डर लगता है ना कि कहीं ऐसा ना हो उड़ जाए ये, तो पता नहीं कहाँ चला जाए। हैप्पू आओ हैप्पू। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। अब उतर नहीं पा रहे हैं, उतर नहीं पा रहे, उतरना चाह रहे हैं, उतर नहीं पा रहे। तू खेले खेले हजार, गुपचुप गुपचुप करता है। अच्छा, इनका वो भी तो लाना है, सूरजमुखी के बीजे और मकई के दाने। सूख गए, यही पहनोगे? वाह जी वाह, है ना। इसका दाना ले आइएगा, खत्म हो गया, इसका दाना जरूर से ले आइएगा। आ जाओ आ जाओ जी। सुनती हो, मैं सारा सामान बाजार से ले आया हूँ। इसमें धनिया है, पालक है, मिर्चा है। अजी सुनती हो, कहाँ चली गई? मैं सारा सामान बाजार से ले आया हूँ, तुम खाना बना लो। आज साथ मेरे सोना सोना, तू चंदा जैसा रे, देखो सभी नाचे तेरे रूबरू। चंदा जैसा मेरे सोना सोना, तू चंदा जैसा रे। तो फ्रेंड, आज चांद रहा तो मैं थोड़ा सा बाहर गई बाज़ार कुछ सामान लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो जूस पी लेते हैं, चल के गन्ने का जूस बहुत अच्छा बना रहा था। और फ्रेंड्स, ये किदवई नगर की दुकान बहुत ही सजी रहती है सारे फलों से, और यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ मेरे पीने का मन भी करता है। और गन्ने का जूस पीना अच्छा भी होता है सेहत के लिए, बट फ्रेंड्स हमेशा जब भी पीजिए तो अच्छी और साफ़ सुथरी दुकान से लेकर के पीजिए, क्योंकि हमारी सेहत का मामला है तो हमें कॉन्शियस तो होना ही चाहिए ना। खैर, मुझे अच्छा लगा ये पी करके, गर्मी भी बहुत हो रही थी और जो है बहुत ही अच्छा लगा ठंडा ठंडा। और ये कायदे से भैया बना भी रहे थे साफ़ सुथरा, इनको देने के बाद उन्होंने फिर हम लोग को दिया और मज़ा आ गया। फ्रेंड्स, तो आप कभी भी किदवई नगर आएँ तो ये जूस कॉर्नर है, यहाँ पर ज़रूर पिए। और ये 15-15 रुपये का ग्लास इन्होंने दिया, सफिशेंट था हमारे लिए, हमको अच्छा ही लगा पी करके। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि आप भी गन्ने का जूस पीते हैं, आपको भी गन्ने का जूस अच्छा लगता है क्या? मुझे भी अच्छा लगता है, बजाय मौसमी का जूस या फिर किसी और जूस से अच्छा मुझे गन्ने का जूस लगता है। और उसके बाद हम लोग गए बताशे खाने, 40 दुकान, ये मार्केट का नाम है 40 दुकान। तो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा चलो मार्केट आए हैं तो बताशे खा ही लिए जाएँ। तो बताशे खा के फिर आइसक्रीम लेकर के हम घर वापस आ गए, क्योंकि यूसुफ ने बोला था मेरे लिए ज़रूर से आइसक्रीम लेकर के आना। तो वाकई आइसक्रीम अच्छी थी, टेस्ट में बहुत बढ़िया थी, इन लोगों को भी बहुत पसंद आई। तो आप बताइए फ्रेंड्स, कहीं जाते हैं तो आपके बच्चे भी आपसे कहते होंगे ज़रूर से कि कुछ लेकर के आना, क्योंकि मेरा मामला ये है कि मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है अगर मैं कुछ ना लेकर के आऊँ। तो लेके आना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपके खुद के बच्चे हों या बर्ड्स हों, उनके लिए भी लाना होता है। सर ने पकड़ लिया इसको, क्योंकि मजाक उड़ाती थी कि हम घोंसले में आ गए और हम सो जाएं। इनको बस बदबू आ रही अम्मी से, तुम्हें तो हर चीज से बदबू, भयंकर बदबू आ रही है। इतनी प्यारी सी बर्ड है ये, नहा लेती है नेचुरल तरीके से। अब फ्रेंड सुजैन मेरी नहा भी लेती हैं,
पानी रख दो उसमें, तो ये अपना खूब मस्त होकर नहाती हैं। तो अब थोड़ा टेंशन कम है कि इसका मुंह गंदा होगा या ये गंदी होगी। अब बताइए, इनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा घोंसला है, मैं यहाँ पे सो जाऊँ। और रात के बज चुके हैं 11:30, इनके पापा तो सोने चले गए, 12:15 हो रहे हैं और इनको खेलने का मन कर रहा है। पंछियों को भी लगता है कि मम्मी की गोदी में बैठे हैं हम, कितने सुकून से बैठी है ये बेचारी। और इसको पिंजड़े में रख देते हैं, ढांक देते हैं, सो जाती है मजबूरी में, मगर ये हम लोग के साथ ही सोना चाहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी सुजैन अच्छी लगती हो और आपको इसकी वीडियो देखना अच्छा लगता हो, पसंद हो, तो बने रहिए हमारे साथ मैजिबी के जहान में। आपका वेलकम करती हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरी सुजैन के लिए। और आप सबके सपोर्ट के लिए मैं थैंक्स बोलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी ईद। आप सभी की ईद बहुत अच्छी हो, खुशहाल हो, आप लोग खुश रहें, और अल्लाह पाक करे कि हमारी ईद भी सबसे अच्छी हो, यादगार हो। और ये फर्स्ट टाइम हमारी ईद पड़ रही है आप सभी के साथ में। तो अब मेरा सारा काम हो गया, मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। खुदा हाफिज़।